शुक्रवार को सीतामढ़ी की नए डीडीसी तरनजोत सिंह ने अपना प्रभार सीतामढ़ी समाहरणालय पहुंचकर ग्रहण किया। पूर्व डीडीसी प्रभात कुमार ने नए डीडीसी को कागजी प्रक्रिया पूरी कर प्रभार सौंपा। तरनजीत सिंह ने समझने वाले पहुंचकर डीएम को पुष्प गुच्छ देकर शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद वे अपने डीडीसी कार्यालय पहुंचे, जहां प्रभात कुमार ने उनका स्वागत किया। उसके बाद प्रभात कुमार ने कार्यालय की चाबियां समेत जिले के हलेश्वर स्थान मंदिर की चाबियां भी सौंपी। विदित है कि हलेश्वर स्थान मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी जिले की डीडीसी हैं। इस मौके पर डीडीसी चरणजीत सिंह ने कहा कि वे इससे पूर्व दानापुर में एसडीएम के रूप में पद पर पोस्टेड थे। उन्होंने कहा, जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उनका जनता को लाभ दिलाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता देंगे, तरनजीत सिंह बिहार कैडर से 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार में कुछ महीनों में बाद ही चुनाव है, ऐसे में अधिकारियों के तबादलाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सीतामढ़ी के डीडीसी का भी तबादला किया गया था। जो मेरा कार्यकाल रहेगा उसमें जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं और जो अन्य दायित्व हैं उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना ही मेरी प्रायोरिटी पर रहेगा, ताकि सारी स्कीम्स का लाभ जो है वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुँचे और भार मुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कार्यकाल के दौरान अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। सीतामढ़ी से अमित कुमार की रिपोर्ट।